आगे से क्या जवाब दिया था आपको मालूम है? वो जो जवाब दिया था आज भी उनका तरीकाकार वही है। वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, वो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने फिर से इस बात का एतराफ़ कर लिया कि इमरान खान हमें चोर डाकू समझता है, लिहाजा वो हमारे साथ मिलकर नहीं बैठना चाहता। हम तो पहले भी इमरान खान से बात करना चाहते थे और अब भी इमरान खान से बात करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ही हमें मुंह नहीं लगाना चाहता। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। राना साहब, कोई भी हुकूमत बन जाए चलेगी कैसे? एक तरफ तो इस इलेक्शन की साख पे सवाल उठ रहे हैं, धांधली के इल्जाम लग रहे हैं, और दूसरा किसी भी पार्टी के पास अक्सरियत नहीं है कि वो अपनी हुकूमत बना सके, तो हुकूमत बन भी गई तो चलेगी कैसे? ये मामला जो है ये इस तरह से बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे, और इस तरह से मामला जो है वो बिल्कुल आगे नहीं चल सकते। अगर वो समझते हैं कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो वो इस इलेक्शन से जो है वो रिज़ाइन कर जाएं, री इलेक्शन का मुतालबा करें। पीटीआई का ये कहना है कि हमारे पास असली फॉर्म 45 है, लेकिन फॉर्म 47 में जो है रद्दोबदल किया गया, इसलिए हमारे लोग हारे। लेकिन एक बात तो कंफर्म है ना, जिस पे आप लोग तनकीद नहीं कर रहे हैं, खासतौर पे नून लीग के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तरीकेकार तय किया था कि हम नतायज कैसे देंगे, कि हर पोलिंग स्टेशन के बाद जो फॉर्म 45 है वो छापा जाएगा, इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर फैसला सुनाएगा और नतीजा देगा उस हल्के का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सारे नतायज जो इलेक्शन कमीशन ने खुद रख लिया अपने पास, आर ओस को रिजल्ट नहीं देने दिए, और बड़े ताखिर से, यानी कि 24 घंटे की ताखीर के बाद भी रिजल्ट जो है वो आ रहे थे, 48 घंटे तक आ रहे थे। तो कम से कम इलेक्शन कमीशन की जो नालायकी लापरवाही है वो तो सबके सामने है, उस पर तो आप सब मिलके आवाज उठा सकते हैं ना। मामला ये है कि अगर तो इनको इलेक्शन ठीक नहीं लग रहा तो फिर बाहर आए ना, बाहर आके कहें कि जी दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। राणा साहब, अभी अगर ये बात है कि जहां पे हम लोग असेंबली में चले गए, असेंबली में तो ये भी जा रहे हैं, हार गए हैं, तो फिर वही बात है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी और को नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूं कि असेंबली में हर जगह पे मैं खुद ही हूं, बाकी और कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन एहतजाज तो आप खुद कह रहे हैं ना कि 2018 में आपने भी किया, लेकिन आप असेंबली में चले गए, असेंबली में तो ये तमाम जमातें भी जाने को तैयार है, लेकिन ये भी एहतजाज कर रही है, तो जैसे आपको एहतजाज का हक था, इनको भी है एहतजाज का हक। लेकिन उनके एहतजाज की काल इस तरह से नहीं है, वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, वो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। हम जिस दिन असेंबली में गए थे, हमारे लीडर ने, हमारे प्रेसिडेंट पीएमएलएन ने उसी दिन उठ के कहा था कि इस मुल्क की खातर आए बैठें, आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, जैसे भी बन गए हैं, हमारे जैसे भी इतराज़ात हैं, लेकिन हम आपके साथ बैठ के इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने को तैयार हैं। आगे से क्या जवाब दिया था आपको मालूम है? वो जो जवाब दिया था आज भी उनका तरीकाकार वही है, जो कि इस मुल्क को, इस रियासत को, इस मुआशरे को जो है वो किसी सूरत भी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता, बल्कि वो तबाही के किनारे पे ले आया है। अब मेरा ख्याल एक आध धक्का और लगेगा और मामला जो है वो साफ हो जाएगा। तो राणा साहब, आप ये बताइए कि आपकी जमात हुकूमत पर बनाने जा रही है, और ये अब तय हो चुका है कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, जो नंबर्स हैं उसमें आपको असेंबली में सपोर्ट करेंगे, और आप कंफर्टेबल हैं इसके साथ, क्योंकि उस दिन तो आप कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता कि सारा बोझ हम उठाएं और फिर आखिर में मलबा भी हमारे कांधों पर आए, लेकिन अब आप तैयार हैं पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाने जा रहे हैं और इसी तरह चलेगा मामला? शहजाद, हमने जो 16 माह हुकूमत की, उस दौर में जो महंगाई हुई वो बुनियादी वजह है, महंगाई एक बुनियादी वजह है जिससे हमारा कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसका लॉस हुआ। दूसरे नंबर पे भी महंगाई ही वो वजह है, विद इन ब्रैकेट यूटिलिटी बिल्स, हर महीने जब बंदे को बिजली का बिल जो पहले 13,000 आता था, अब जब 43,000 आता है ना, तो वो फिर हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं करता। और तीसरे नंबर पे जो इन्होंने फिर अपना विक्टिम कार्ड जो है वो खेला, बाकी जो होना है वो हमें अब नज़र आ रहा है, उसमें कोई इतना खास अब हाम रह नहीं गया। सही, मतलब विदाउट पीपल्स पार्टी, इन शॉर्ट विदाउट पीपल्स पार्टी आप लोग वफाकी हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं? अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ शामिल नहीं होती, सिर्फ वो जो है वो एक साइड पे होके मामलात को देखना चाहती है और ये चाहती है कि उसका कोई नुकसान ना हो, जो नुकसान हो वो हमारा हो, तो इस तरह से ये काम चलेगा नहीं। मेरी ज़ाती राय ये है कि इससे कोई बेहतर सूरत पैदा नहीं होगी।
सही, और आपने कहा कि महंगाई बहुत बड़ी वजह है जिस की वजह से आप लोगों को वोट उतना नहीं पड़ा या उतनी सीटें आपने नहीं जीती, जबकि आप ये बयानियां भी लेके गए आवाम के सामने कि ये इमरान खान का क्या धरा है, पीटीआई का क्या धरा है, हमारा नहीं है, लेकिन लोगों ने अक्सर इतना आपकी बात नहीं सुनी। लेकिन वहां तक मामला पहुंचा कैसे, इस हवाले से कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ अहम बातें की हैं। उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि ये सारा जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला था, ये बेसिकली जनरल बाजवा और जनरल फैज ने जो है वो तैयार किया था। कल उन्होंने जनरल फैज कहा था, आज उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं थे, दूसरे उसमें अशखास मौजूद थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ मोहर लगाने वाले थे, पीपल्स पार्टी, नून लीग या JUIF, हमने मोहर लगाई, असल में ये इनिशिएटिव जनरल बाजवा का था। देखे हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे लिए इंतहाई इज्जत और एहतराम की जगह पे हैं, लेकिन खुदा की कसम शहजाद, उन्होंने ये अपने आप से ज्यादती की है। मेरा ख्याल है कि उन्हें चाहिए कि वो बस इस बात को यहीं तक रहने दें, इलेक्शन की फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें ना करें कि जिनके बाद में जो है वो जवाब आए। नाज़रीन, ये होता है लीडर जिसके प्रिंसिपल्स कभी भी नहीं बदलते। इमरान खान ने कहा था कि मैं इनके साथ कभी भी इत्तेहाद नहीं करूंगा क्योंकि ये चोर और डाकू हैं, लिहाजा इनके साथ इत्तेहाद करना कतन मुल्क के मुफाद में नहीं है। ये बात इमरान खान ने 2018 में भी की थी और दो साल पहले भी इमरान खान ने यही बात की, और आज तक इमरान खान अपनी इस बात पर कायम है कि वो इन लोगों के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे जिन्होंने अवाम के माल पर और हकूक पर डाका डाला हो। लिहाजा इनके साथ ना तो इत्तेहाद हो सकता है ना ही सुलह हो सकती है। नाज़रीन, आज भी नून लीग की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से पीटीआई कम्प्रोमाइज करके और मिल बांट कर मुल्क लूटने वाली पार्टी बन जाए, लेकिन इमरान खान कभी भी इस बात पर नून लीग के साथ मुत्तफिक नहीं होंगे। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि जो अवाम के माल और हकूक पर डाका डालता है वो कभी भी मुहिब वतन नहीं हो सकता। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो अपने मफादात के लिए सियासत करते हैं, अपनी फैमिलीज को अमीर बनाने के लिए, जायदादें बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इक्तदार में रहने के लिए आते हैं, और इनका कोई मकसद नहीं होता। नाज़रीन, वैसे तो ये इमरान खान पर इल्जाम लगाते हैं कि इमरान खान यूटर्न लेता है, लेकिन आज इमरान खान जब एक बात पर डट गया है तो उस पर भी इन्हें तकलीफ है कि इमरान खान हमारे साथ नहीं बैठ रहा। नाज़रीन, जिसके दिल में अवाम के लिए इतना दर्द हो, अवाम के लिए इतनी मोहब्बत हो, और ये भी एहसास हो कि गरीब अवाम की जेब से चंद टके भी लूट कर ना खाए जाए, और फिर इंसान अगर ऐसे मुजरिमों को माफ कर दे, अगर इमरान खान ऐसा करेगा तो फिर कप्तान का शुमार भी नवाज शरीफ जैसे करप्ट और मुजरिम लोगों में होगा। नाज़रीन, इमरान खान हमेशा से ही पाकिस्तान के हीरो रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया भी है, तो आज इमरान खान क्यों कर अपने मफादात को आगे रखकर अवाम के मफादात को भूलकर नून लीग से हाथ मिलाएगा। नाज़रीन, अगर आज इमरान खान चाहे तो नून लीग से इत्तेहाद करके आराम से आसानी से वज़ीर आज़म बन सकता है और इनसे अपने मफादात भी हासिल कर सकता है, लेकिन नाज़रीन इमरान खान ने जेल में जाना पसंद किया, हर तरह के जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त करना पसंद किया, लेकिन इनके साथ इत्तेहाद नहीं किया। इमरान खान ने इनसे यहाँ तक कह दिया कि मैं मर तो सकता हूँ लेकिन तुम लोगों से इत्तेहाद नहीं कर सकता। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।